कांग्रेस के प्रत्याशी बाबूलाल नागर रवाना हो गए। निराश अपने आप को पिछड़ता हुआ देख बाबूलाल नागर रवाना हुए, खुद को पिछड़ता देखा, निराश हुए और पिछड़ने के लिए सचिन पायलट के सर पर ठीकड़ा फोड़ा है। मीडिया से बातचीत में बाबूलाल नागर ने कहा, कोई मतलब नहीं, सचिन पायलट ने मेरी बैंड बजा दी। दूदू से कांग्रेस प्रत्याशी बाबूलाल नागर अपने आप को पिछड़ता देख राजस्थान कॉलेज से मतगणना स्थल से रवाना हो गए हैं और ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। अपने खुद को पिछड़ता हुआ देख उन्होंने सचिन पायलट के सर पर ठीकड़ा फोड़ा और कहा कि अब कोई मतलब नहीं, सचिन पायलट ने मेरी बैंड बजा दी। ये बात उन्होंने मीडिया से कही है। बाबूलाल नागर दूदू से जब पिछड़े तो यहाँ सचिन पायलट को ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं। मेगा, ये जो बयान दिया बाबूलाल नागर ने, खुद को पिछड़ता हुआ देखा, निराश हुए, रवाना हुए राजस्थान कॉलेज से और सचिन पायलट के सर पर ठीकड़ा फोड़ा, सुधांशु जी आपसे चाहूंगी इसका रिएक्शन। देखिए, जो कांग्रेस के अंदर जो दो गुट बने, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत गुट, चूंकि ये अशोक गहलोत गुट के जो है वो प्रत्याशी हैं और अगर ये मुखर होकर कह रहे हैं कि सचिन पायलट ने मुझे हरवा दिया, तो अब आप इस चीज की उम्मीद छोड़ दीजिए कि कांग्रेस राजस्थान में सरकार बनाएगी, क्योंकि आने वाले रिजल्ट के अंदर अब हमें इस तरह का जो निराशा का भाव है या जो शिकायती भाव है वो आप देखने को मिलेगा। हाँ। शाम तक आपको और ऐसे बयान मिलेंगे। मैं नंदनी सर मेयर से बोल रही थी, मैं तो यही कही थी कि ये तो होना ही था। ये तो धीरे धीरे अभी और शिकायतें मुझे लगता है कि हमें बाबूलाल नागर को फोन पे जोड़ना चाहिए। हाँ। और उनसे बात करनी चाहिए। तो असाइनमेंट से मेरा आग्रह है कि अगर कोशिश करें कि हम बाबूलाल नागर को फोनों पे जोड़े। हाँ। और उनसे बात करें कि इस तरह का जो कॉम्बिनेशन इंटरनल कांग्रेस के अंदर आया है जी,